नमस्कार। सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ अपनी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषयक धारावाहिक हेल्थ केयर को लेकर। मित्रों, इस श्रृंखला के माध्यम से हम हमारे स्वास्थ्य विषयक समस्याओं को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। विश्व की स्वास्थ्य विषयक सर्वोच्च संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूर्ण स्वास्थ्य को इस तरह से परिभाषित किया है कि वह न केवल बीमारी का अभाव है बल्कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अक्सर इस चर्चा में हम लोग हमारी शारीरिक समस्याओं की चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, वह हमारी सामाजिक व्यवस्था को लेकर। समाज का घटक हर व्यक्ति होता है और हर व्यक्ति एक बीज में एक नवजात शिशु के रूप में होता है। यह शिशु जितना शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ होगा उतना परिवार, उतना समुदाय, समाज और राष्ट्र सुदृढ़ होगा, समृद्ध होगा। तो हम सबकी जवाबदारी है इस बीज को हम भली भांति खाद दे, पानी दे, ताकि वो जो वृक्ष बने तो एक फलदार छायादार वृक्ष बने। कहने का तात्पर्य कि बच्चों का जो विकास होता है न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है और इसमें हम सबकी बराबरी की भूमिका है। इस विषय को लेकर उपस्थित होने का आज का जो हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बहुत बार इस विकास क्रम में बच्चा अगर कहीं से पीछे सरक रहा, आगे बढ़ रहा, हद से आगे बढ़ रहा, तो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है जिसको लेकर पालक संभ्रमित है कि क्या करें। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हमारे बीच इस विषय को लेकर जो विशेषज्ञ उपस्थित है वे महाराष्ट्र राज्य के आईपी के मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र जी वैद्य हमारे बीच उपस्थित। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ ही महाराष्ट्र राज्य आईपी के उपाध्यक्ष डॉक्टर गणेश जी कुलकर्णी हमारे साथ है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही अल्प परिचय कि डॉक्टर वैद्य सर ने अपना यूजी और पीजी अंबाजोगाई मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से किया है और फिलहाल औरंगाबाद में अपनी निजी चिकित्सा अपने मरीजों को देते हैं। उसी तरह से डॉक्टर गणेश जी ने अपनी यूजी की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद और पीजी की पढ़ाई महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित वाड़िया चिल्ड्रन हॉस्पिटल से प्राप्त की है और फिलहाल औरंगाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे मुखातिब होते हैं और सबसे जरूरी जो चीज मैंने बताया कि नवजात शिशु अपने आप में एक बीज है। yes. और जो बीज होता है तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा वृक्ष बने, पर होता ये कि बहुत बार जो बच्चा होता है तो एक बहुत मामूली चीज है कि रोना बहुत ज्यादा होता है। अब रोने का अमूमन कारण तो उसका भूख होती है, पर कई बार ऐसा माँ बोलती है कि दूध भी पिला दे तो भी रोता है रोता है, आप इसका कारण क्या मानते हैं? सर, ऐसा है, बच्चों का रोना वो उसका एक्सप्रेशन है, क्योंकि बच्चा हर चीज़ एक्सप्रेस करेगा रोने में। और वो अभी अपनी संस्था में जैसा एक ही बच्चा, दो बच्चे इस तरह के है, न्यूक्लियर फैमिली है, घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, उनको कैसा समझाना, तो उनको ज़्यादा चिंता रहती कि बच्चा क्यों रो रहा है, हम दूध पिलाने के बाद भी बच्चा रो रहा है। तो बच्चों के रोने के कई से कारण होते हैं, वो माँ के जल्दी समझ में आ जाते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है। भूख का कारण तो माँ समझ सकती है, बट बाकी के कारण के लिए जैसा पहले से ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब जाते हैं तो उनको वो कुछ प्री काउंसलिंग टाइप का बोल सकते हैं, वहाँ पे ना अभी सभी जगह पे पीडियाट्रिशियन भी रहते हैं तो उनके साथ भी वो चर्चा कर सकते हैं कि जैसा थोड़ा गीला हो गया, पेशाब किया, संडास किया तो भी बच्चा रोना चालू कर देता है, भूख लगने का तो कारण है ही, बहुत बार बच्चों के पेट में मरोड़ आता है, दर्द सा होता है, वो एक रीज़न रहता है। बाकी कुछ बीमारी की वजह से जैसा बुखार आया है, सर्दी ज़्यादा हुई है, नाक बंद है, उसके वजह से भी रोने के कारण रहते हैं। बट बहुत सीरियस कारण जो रहते हैं वो उनके समझ में आना ज़रूरी है। इसके लिए जो पीडियाट्रिशियन है उनका थोड़ा यह कि काउंसलिंग करना चाहिए, जो नए माता पिता है उनको बोल के कि भाई ये रहा तो आप करो, जैसा कि बच्चा अनबेरेबल रो रहा है, उसके बाद उसके आंखें घुमा रहा है, पेट फूल गया है या कान में से कुछ पानी पी पा रहा है, तो उस टाइम थोड़ा उनको ज़्यादा केयर लेना चाहिए। अदरवाइज रोने की चीज़ें काफ़ी रहती है, बहुत बार आप उसको लेके बैठेंगे तो बच्चा शांत रहता है, वी कॉल इट द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो बच्चा समझ सकता है कि मेरे को किस कोई लेने वाला है, तो उसके बाद भी वो शांत रह सकता है। तो इस तरह के बहुत से कारण नॉर्मल रहते हैं, उसमें ज़्यादा घबराने जैसे कोई चीज़ नहीं रहती। सर, अक्सर ऐसा होता है कि एक समाज में एक
गलत फहमी या भ्रम है लोगों को पूरी तरह से मालूम नहीं। कई लोगों का ऐसा मत है कि अगर बच्चा जैसा आप बता रहे गीला हुआ है तो उसको तुरंत उन्होंने लेना चाहिए। कई लोगों का ऐसा मन विचार होता है कि उसको नहीं थोड़ी देर रोना चाहिए, उसने तो उसकी भूख बढ़ेगी, तो आप इसमें क्या सलाह देंगे? हाँ, तुरंत बार बार उसको उठा के लेंगे तो वो आदत से हो जाती है, उसके लिए आप थोड़ा चेंज किया तो उसको नीचे रख के उसका थोड़ा चेंज कर दो, उसका थोड़ा थपथपाओ, बट बार बार उठा के ले लो, बार बार दूध पिलाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो बच्चे को वही आदत हो जाती, फिर वो इतनी आदत हो जाती कि वो करने के बाद शांत नहीं रहता, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़े कारण देख के थोड़ा उसके साथ बात किए, कुछ रैटल खिलौना आता है उसका थोड़ा आवाज़ किए, उसका अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट किए, तो बच्चा काफ़ी बार शांत भी हो सकता है। मित्र, एक बहुत ही योग्य रीति से डॉक्टर वैद्य सर ने हमें मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि जब बच्चा छोटा है तो ये उसका विकास क्रम चल रहा है, लेकिन इस विकास क्रम में अपनी हर भावना को वो प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो उसका एकमात्र जो जरिया होता है वो उसका रोना होता है। सर ने बताया कि भूख का रोना माँ भलीभांति पहचान सकती है, तो उसको जब फीड कराती है तो शांत हो जाएगा, लेकिन बाकी जो बातें होती है उसके ऊपर गौर करना चाहिए, साथ ही कुछ जो गंभीर चिन्ह है अगर वो साथ में हो तो तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाएं। गणेश, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ है और अब जैसा वो थोड़ा सा पैरों पे चलना भी शुरू किया है, और ऐसे समय में हम देखते हैं कि कई माता पिता को बहुत चिंता होती है कि बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, अगर उसकी जिद पूरी नहीं करे तो वो सिर पटकने लग जाता है, खास करके जब कई नई जगह में कहीं मार्केट में गए हैं या कोई मेहमान लोग आए हैं, तो हमारी व्हाट्सएप जिसे हम टेम्पर टैंट्रम कहते हैं, बराबर, तो इस चिंता के विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मिसबिहेव जो होता है वो अक्सर सभी की जिंदगी में सभी करते ही है, बच्चे करे तो उसको हम लोग किस तरह से रिएक्ट करें इसको भी हमने देखना चाहिए। एक दो बार अगर मिसबिहेव करता है तो वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन कोई बच्चा अगर किसी चीज की वजह से बार बार कुछ हरकतें रिपीट कर रहा है या फिर से कर रहा है या मिसबिहेव बार बार कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है जो वो खुद सुलझा नहीं पा रहा है। और ये एज ग्रुप ऐसा होता है कि बहुत बार वो अनएक्सप्रेसिव होने की वजह से उनका कुछ चीज करने के पीछे, बार बार दोहराने के पीछे कुछ राज होता है, और जब तक हम लोग वो राज पता नहीं कर लेते और उसको डांट कर उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो स्ट्रेस बच्चों के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से कहा कि हेड बैंगिंग हम लोग जिसको बोलते हैं कि सर पटकना, इसका मतलब क्या है कि बच्चे को किसी चीज से शायद वो कंफर्टेबल नहीं है और वो रिएक्ट करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है, दर्शाना चाहता है कि मैं इस एनवायरमेंट में मैं इस चीज से कंफर्टेबल नहीं हूं, और वो एक बार हेड बैंग करेगा, सर पटक लेगा अपना, दो बार सर पटक लेगा, और हम लोग अगर उसको ये समझ के चले कि ये मिसबिहेवियर है और उसको सप्रेस करने की या दबाने की कोशिश करेंगे तो शायद उसके पीछे जो राज है वो हम लोग सुलझा नहीं पा रहे और हम लोग उसको गलत तरह के से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वजह है वो तो वैसी ही रहेगी और उसके विपरीत परिणाम होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग शायद उसके जड़ तक जाए कि ये क्यों कर रहा है, आज तक अभी तक जो बच्चा अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है वो क्यों नई चीज क्यों करना चाहता है। बहुत बार क्या होता है, घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं और बच्चा कुछ इरिटेबिलिटी या कुछ चिड़चिड़ापन करना चालू करता है, उनके सामने जमीन पर लेट जाता है, कुछ ऐसे बर्ताव करता है जो हमें अनकंफर्टेबल बना देता है। शायद बराबर भी है कि मेहमान के सामने अपने बच्चे अगर इस तरह से बिहेव करे तो सब अपने को क्या बोलेंगे, हमको शर्म लगती है, शर्म लगती है, अपराध बोल लगता है, लेकिन उसके पीछे क्या राज है ये ढूंढना जरूरी है, ना कि बच्चों को मारो पीटो और उसको शांत करने की कोशिश करो। हो सकता है कि वो बहुत सारे लोगों में अपने आप को लोनली फील कर रहा हो, बहुत बार मेहमान आते हैं, माँ बाप अपने मेहमानों के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ बातें करने में मुश्गुल हो जाते हैं और बच्चे की तरफ थोड़ा निग्लेक्ट हो जाता है। होता क्या है कि ये एज बहुत टेंडर है, यहाँ पे इनसिक्योरिटीज बहुत होती है, इनको अपने माँ बाप से थोड़ा भी जुदा करना या बाजू ले जाना ये इनके लिए बहुत बड़ा एंग्जाइटी क्रिएट होता है और उसकी वजह से वो बता नहीं सकते कि मुझे क्या हो रहा है। वो उसका रिएक्शन इस तरह से क्रिएट करते हैं कि वो जमीन पर लेटेंगे, वो कुछ इस तरह से हरकतें करेंगे जो आपको अनकंफर्टेबल बना दे, तब जाकर उसको बच्चे को डिसिप्लिन के नाते उसको मारना पीटना या डांटना ये गलत होगा। अभी मैं एक सिचुएशन आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए किसी मॉल में गए हैं और वहां पर बच्चा किसी सामान की जिद कर रहा है
अपनी फैमिली के साथ बराबर है और आप समझते हैं कि वो चीज उसके लिए योग्य नहीं है बराबर। अब इसको मनवाने के लिए बच्चा जमीन पे लेट गया है, सामान तोड़फोड़ कर रहा है, इधर से हाथ पांव मार रहा है, इस समय में आप मार्गदर्शन के मार्गदर्शन लेंगे? ये अक्सर शायद सभी के घरों में होती है और हम लोगों ने भी ये किया है। जब बचपन में हम लोग थे तो हम लोग भी एक आधी चीज हमको पसंद आई मॉल में तो हमने उसके लिए जिद की है, हमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया है, ये बच्चे भी वही करेंगे। इसका इसको ठीक करने का तरीका डेफिनेटली ये नहीं है कि उसको मारो पीटो या उसको डांटो और उसकी जो भी कुछ अपेक्षा है अपने तरफ से उसको हम लोग दबा दें, ये सबसे गलत तरीका होगा मेरे ख्याल से। अगर कोई बच्चा इस तरह से करता है हरकत तो उसको बाजू लेकर उसको समझाना बहुत जरूरी है कि इन चीजों का मतलब कितना गलत तरह से पेश हो रहा है और जो चीजें वो मांग रहा है वो हम लोग उसे क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे भी कोई एक प्रावधान है जो हम लोग सोच रहे हैं कि ये उसको अभी जरूरत नहीं है या इस चीज का कोई बेअसर होने के चांसेस है, जो हम उसको समझाएं। तो अगर आपका मतलब कि अगर प्रेरणा से समझा तो ज्यादा अच्छे से बिल्कुल वो समझ जाएंगे, बिल्कुल वो समझ जाएंगे। और अगर मान लो कोई चीज उसकी है जो उसने उसको मिलनी चाहिए तो उसको हम दे दें बिना किसी जिद के, नहीं उसको जरूरत नहीं पड़े जरूरत नहीं। और अगर आप समझते हैं वो चीज उसके लिए जरूरी नहीं है तो उसको हम बजाय किसी पनिशमेंट के किसी तरह के कोई अनुशासन उसको हम समझाएं तो शायद समझने से अच्छे समझ जाए, अच्छे समझ जाए। उनके जिद की तरफ से हम लोग उनको कुछ चीजें दें ये गलत बात होगी, उनको जो जरूरत है वो उनको देना बहुत जरूरी है। सर जैसा डॉक्टर गणेश सर बता रहे हैं कि जहाँ पर ये पनिशमेंट की बात आती है तो वो शारीरिक रूप से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या जो पुराने समय बोलते हैं कि छड़ी लागे छमछम विद्या है, धमधम के सिखाने के लिए भी छड़ी का प्रयोग करना चाहिए या इस तरह की शारीरिक शिक्षा होनी चाहिए थी, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इस बारे में अपना जैसा पहले था आप बोले वैसे छड़ी लागे छमछम विद्या है घमघम, कुछ तौर पर ये सही है क्योंकि आप अभी देखते होंगे कि बहुत मारना पीटना ऐसा नहीं है, बट उसको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ये अपना गलत है। ठीक है, भले उसको मारो मत, बट उसको खड़े रहने को बोलो कि आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा जोर से डांटो, फिजिकली आप मत करो, फिजिकली बिल्कुल भी नहीं, फिजिकली नहीं होना चाहिए, बट उसको वो समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है वो गलत है, उसको पैम्पर करके नहीं ऐसा नहीं होता अब दे दो, या वो कर रहा है वो नहीं करना सबके सामने बोल के आप दे रहे एक बार दे रहे दो बार दे रहे तो वो आदत हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आप बार बार उसकी डिमांड फुलफिल करोगे तो वो नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा करेगा। अक्सर क्या होता है कि बच्चे फिर चीज अपने दादा दादी के सामने करते हैं तो वो बोलते हैं वो उसके पीछे जाके वो पूरी कर देते हैं, तो ये फैमिली डिसीजन है, नाना नानी दादा दादी सबको बैठ के ठहराना है कि बच्चे के भविष्य के लिए अपने को ये डिसीजन लेना है पैर से, भले वो चीज़ आप इमीजिएट उस टाइम मत दो, कुछ देर के बाद या कुछ समय के बाद दे दो, बट उसी टाइम दिया और उसको समझ गया कि मैं ऐसा करने के बाद मेरे को ये चीज़ मिलती है और यहाँ नहीं मिली तो वहाँ मिलती है, तो वो बच्चा कच्चा धागा पकड़ के वही जिद करता है, वो नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा जिद करेगा, और उसमें एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप विदेश के इसमें देखते हैं कि बच्चों को कुछ भी किया कि बच्चा तुरंत 100 को फोन करके पुलिस बुला लेंगे और ऐसा काफी अपन सुनने में पढ़ने में आता है, उतना एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए बट थोड़ा बहुत शिक्षा होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूंगा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट नाम की एक प्रक्रिया होती है कि एक आधी चीज के लिए हम लोगों ने उनको किस तरह से पनिशमेंट दी जाए ताकि उनको सबक सीखना है, क्योंकि सबक भी सिखाना अपना काम है, हम लोग ये नहीं सोच सकते कर सकते कि उनको जो चाहे मन में आए वो करने दे, क्योंकि बहुत सारी बातें उनको समझ में नहीं आती कि अच्छी है या बुरी है, तो पनिशमेंट भी जरूरी होती है, ऐसा नहीं कि पनिशमेंट देना गलत बात है, लेकिन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मतलब कोई पनिशमेंट कितनी सख्त होनी चाहिए कितनी मात्रा में देनी चाहिए इसके ऊपर जरूर विचार होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा किसी को हर्ट कर देता है, कुछ ऐसी बात कह देता है कि सामने वालों को उसका बुरा असर हो या बुरा लगे, तो मैं कहता हूं कि उसको तुरंत बाजू लेकर रिप्रिमाइंड माने उसको इंस्ट्रक्शन देना बहुत जरूरी है कि बेटे आपने जो ये किया है उसकी वजह से किसी को दुख पहुंचा है और अगर वो आपसे इस तरह से बिहेव करेगा तो आपको कैसे लगेगा। इस तरह से छोटी छोटी बातों से हम लोग उनको ये सिखाने की कोशिश करें कि कुछ चीजों से हम लोग जो दूसरों के प्रति अपन बिहेव करते हैं या अपनी वागणूक होती है उस तरह से सामने वाला अगर अपने से करे तो अपने को दर्द होगा, तो रिप्रिमाइंड करना भी जरूरी है। और दूसरी एक बात यह है कि जैसे हम लोग हमेशा अक्सर ये बोला जाता है कि फिजिकल पनिशमेंट हो या ना हो, इसके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा है कि बहुत सारे पुराने जमाने के पेरेंट्स कहते होंगे कि मारने के सिवा बच्चे सुधरते ही नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि जितनी भी अपनी क्वांटम मात्रा जो है पनिशमेंट की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी बच्चे उतना उनकी अडॉप्टेबिलिटी टू दैट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी बढ़ती जाती है। मतलब बहुत बार आपने सुना होगा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलूंगा कि मेरे पिताजी ने मेरे तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं डरता था,
क्योंकि वो पनिशमेंट की मात्रा जो मेरे लिए बहुत ज्यादा थी, तो मुझे मारने का मौका ही नहीं आया, उन्होंने मुझे मारने का कभी मौका ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मेरे तरफ बड़ी आंखें करके देखना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग अगर बच्चों को मारने जाए तो कुछ दिन के बाद में वो मारने को, मार खाने को भी अडॉप्ट हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं, और उनको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग कितनी मात्रा बढ़ाते जाए उसके ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये मात्रा जितनी कम में ज्यादा कारगर हो वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये पेरेंट्स का एक स्किल होता है कि हम लोग उनको कम से कम मात्रा ऑफ पनिशमेंट में या डिसिप्लिन में उनको किस अच्छी तरह से सबक सिखाएं, तो ये बहुत जरूरी है। मित्र सलाम बोलिए। एक मैं ऐड करना चाहूंगा, पनिशमेंट का जब आया है, हम बहुत से पेरेंट भूल जाते हैं कि जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो मराठी में बोलते कौतुक कराते, पार्टी पर थाप दिया, उसकी वजह से बच्चे का इन्फोर्समेंट होता है कि बार बार आप पनिशमेंट करें ऐसा नहीं, जो जब अच्छा करेगा तब उसको थोड़ा कुछ इनकमेज टाइप या कुछ ऐसा कौतुक उनका करना चालू कर दे, कुछ इंसेंटिव देंगे और वो बढ़ाते जाओ, तो डेफिनेटली उसको लगेगा कि अपन अच्छे क्यों, तो उतने का अच्छा होता है, बुरा करने के बाद वो थोड़ा नाराज होते, ऐसा बार बार करने के बाद पनिशमेंट से ज़्यादा वो काम करेगा। एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सिस्टम सर मैं आपको यहाँ सुझाना चाहूँगा, जैसे सर ने अभी कहा कि इंसेंटिव बेस्ड कल्चर हो गया है अभी अपना, मतलब इंसेंटिव किसी का काम नहीं करेगा ह्यूमन बीइंग, ये तो एक तय हो गया है। बच्चों में भी नेचुरली इंसेंटिव का फायदा होगा, लेकिन इंसेंटिव का दूसरा बेअसर भी होने के चांसेस है कि आगे वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा, रिश्वत का काम नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छा सुझाव देना चाहूंगा, मैंने अपने घर में ये करके देखा है, मैंने एक स्कोरिंग सिस्टम खड़ी की है, और मैं क्या करता हूं कि मेरे बच्चों को पॉजिटिव मार्किंग या निगेटिव मार्किंग करता हूं, उनको हर अच्छे काम के लिए +5 देता हूं और हर बुरे काम के लिए -5 देता हूं, और पूरे दिन भर में उनकी एक स्कोरिंग खड़ी हो जाती है, ताकि आज उन्होंने 3 घंटे अच्छी पढ़ाई की, उनको मैंने 5+ मार्क दे दिए, उन्होंने आज 3 घंटे टीवी देखा जो कि तय था कि 1 घंटा देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने 3 घंटा देखा तो -5 हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं कि दिन भर की एक स्कोरिंग सिस्टम खड़ी करते हैं, और उसमें +-+- होने के बावजूद जो टैली बनती है, जो एंड रिजल्ट बनता है, उसमें वो कितने पॉजिटिव रहते हैं वो देखा जाता है। और जब ये महीने का स्कोर खड़ा होता है एडिशन होकर, और दोनों सिबलिंग्स में, मतलब दोनों भाई बहनों में या घर में अपने 2-4 बच्चे हैं, उनमें ये कंपेरेटिव स्टडी होता है कि किसके मार्क्स ज्यादा है, किसका स्कोर ज्यादा है, तो उनमें एक दौड़ बन जाती है कि आज मैं अव्वल आऊंगा, ये महीने में मैं अव्वल आऊंगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव काम करने के पीछे रहता है। और ये अपने आप में एक कॉम्पिटिशन अगर क्रिएट कर दो बच्चों के अंदर, और उनको एक इंसेंटिव इस तरह से दो कि वो अपने प्रेरणा होती है, प्रेरणा बन जाती है, वो प्रेरणा बन जाती है, और महीने का एंड रिजल्ट इस तरह से होता है कि मेरे सबसे ज्यादा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। परफॉर्मेंस तब जाकर उनको हम लोग कुछ एश्योर करें जो उनको जरूरत है, एश्योर करें मतलब ये नहीं कि उनको जो जरूरत नहीं वो चीज दे, उनको जो जरूरत है वो भी चीज देनी भी है तो उनको वो कमानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जरूरत चीजों की बहुत होती है, लेकिन वो भी उन्होंने कमाना चाहिए, उन्होंने अर्न करना चाहिए, ना कि उनको खैरात में मिलना चाहिए। उनके मन में भाव मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी नियमित स्वास्थ्य विशेष श्रृंखला हेल्थ केयर में, और आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पालकत्व यानी पेरेंटिंग। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है औरंगाबाद से पधारे हमारे अतिथि महाराष्ट्र स्टेट आईपी के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र जी वैद्य सर और उपाध्यक्ष डॉक्टर गणेश जी कुलकर्णी सर। डॉक्टर गणेश सर, बात को आगे बढ़ाते हुए कि जिस तरह से आपने बताया कि अगर बच्चा किसी तरह की कोई जिद कर रहा है या ऐसा सिर पटक रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब परिवार में कोई नया सदस्य का आगमन होता है, नया बच्चा आता है, तो बड़ा बच्चा अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसको हमारी भाषा में सिबलिंग राइवलरी कहते हैं। इस विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन देंगे? सबसे बड़ा तथ्य यह है कि हर एक इंसान को एक अपना सेंटर जो इम्पोर्टेंस मिलता है वो खोना नहीं चाहता, वो शायद अपना इंस्टिंक्ट है। ये बड़ों की बात कर रहा हूं, हर एक की एक मंशा होती है कि मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूं वो कोई छीन ना ले। उसी तरह से बच्चों में भी एक स्थायी भाव होता है, जो इंस्टिंक्ट होता है कि कल तक जो बच्चा घर का सबसे बड़ा केंद्र रहता है, सब एडल्ट्स उसके पास आकर अट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ बात करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, और जिस दिन सडनली घर में नया बच्चा आता है और नेचुरली बाकी सब लोगों का अट्रैक्शन न्यू बेबी होता है, और कहीं ना कहीं जो घर का कल तक का दुलारा था,
जो घर का कल तक का सबसे बड़ा प्यारा था वो कहीं ना कहीं इग्नोर होना शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली तकलीफ होना जरूरी है, लाजमी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत स्थायी भाव है, ये ह्यूमन स्थायी भाव है, इंस्टिंक्ट है। तो सिबलिंग राइवलरी जो बच्चों में होती है वो इसी वजह से होती है, और बहुत सारी बार जो ये मिसबिहेव होना शुरू हो जाता है, हेड बैंगिंग, इरिटेबिलिटी, जमीन पर लेटकर किस तरह से बुरी हरकतें करना, कहीं चीजें हर्ट करना, तोड़फोड़ करना, या उल्टी सी बातें करके अब्यूजिव लैंग्वेज में किसी से बात करना, ये जो नॉर्मल बच्चा कल तक अच्छी तरह से बिहेव कर रहा था वो सडनली कुछ दिनों से मिसबिहेव करना शुरू करता है, और हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते, उसको डांटना चालू करते हैं, उसको पनिश करना चालू करते हैं, और सब बातें और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि हमको ये सोचना बहुत जरूरी है कि घर में जब नया बेबी अराइव होता है तो डेफिनेटली हमको ये चीज को ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग सिबलिंग राइवलरी कहते हैं, सिबलिंग राइवलरी कहते हैं, कि दूसरा बच्चा आने की वजह से पहले बच्चे को लगता है कि अभी आज से मेरा इंपॉर्टेंस इस घर का खत्म हो गया है। तो अपन पालक होने के नाते ये अपना उत्तरदायित्व है कि हम लोग उसको ये जताए, बताए कि आज भी तुम हमारे घर के सबसे प्यारे बड़े होनहार राज दुलारे हो। और इस तरह से किया जा सकता है। देखिए, सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि जो नया बेबी है, जो कल अपने घर में आया है, वो तो बहुत छोटा है, उसको अभी ये सूझबूझ है ही नहीं कि मैं इस घर का क्या हूं और कितना बड़ा सदस्य हूं। लेकिन जो बड़ा बच्चा है, जो उसको समझबूझ है, जिसको मालूम है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ये बहुत आसान है। छोटे बेबी के जो बेसिक नीड्स है, फीडिंग है, उसको कंफर्ट देना है, सिक्योर जोन में रखना है, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो इमोशनल एस्पेक्ट्स आते हैं वो हम लोग बड़े बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान से दे, उसको ये बताए कि नया बच्चा आने के बाद भी आप इस घर के सबसे प्यारे और बड़े और राजदुलारे हो, और ताकि उनको भी इसमें शामिल कर लो। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि नया बच्चा आने के बाद बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को तकलीफ देना शुरू करता है, उसको पिंच करता है, उसके फेस पे कुछ तो टैप करता है, उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश करता है, उसको हर्ट करने की, बदले की भावना से, क्योंकि वो समझता है कि ये नए बच्चे के आने की वजह से मेरा इंपॉर्टेंस यहाँ का खत्म हो रहा है। तो हमको उसको इस टीम का पार्ट बनाना बहुत जरूरी है, उसको ये बताना जरूरी है कि यू आर द लीडर ऑफ दिस टीम, ये आप इनके बड़े भाई है, आप इसके डिसीजन मेकर है, और आप इसका कंफर्ट देखने वाले हो, आपको पूछ के ही हम लोग इसके लिए कुछ करना चाहेंगे। तो ये अगर महत्व हम लोग उसे दे तो उसको एक इसका जैसे उसकी केयर है तो उसमें अगर उसको भी शामिल कर ले, उसको उसको भी दिखाए, उसको भी कुछ वर्क असाइन करे कि ये अगला फीडिंग का टाइम आप हमको बताने वाले हैं, स्नान करना है तो आपको वहां इन्वॉल्व होना चाहिए, आप टॉवल लेकर आओ, आप उनको हर चीज में इन्वॉल्व करो, तो उसको भी लगेगा कि ये मेरा पार्ट है। अक्सर ऐसा होता है कि वो गोद में लेने की कोशिश करते हैं, नहीं 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 लेना नहीं चाहिए, अगर कोई बड़ा उसको सपोर्ट करके उसके गोद में ले तो और ज्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, और ये काम आसानी से हो सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चा उसको ले और उसको गिरा दे, ऐसा नहीं होगा। अगर कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अच्छी तरह से हम लोग अगर उसको साथ दे, हम लोग उसको केयर करके उसके पास बच्चे को दे, तो वो भी एंजॉय करेगा, एंड इनफैक्ट दैट विल एड ऑन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल बच्चों में होता है। और दूसरा एक बड़ा फायदा है कि छोटे बेबी को भी एक बॉन्डिंग डेवलप होता है बड़े बच्चे के साथ। आप अक्सर देखते हो कि न्यूक्लियर फैमिलीज में माँ बाप दोनों भी जॉब के लिए जाते हैं तो बच्चे ही बच्चों के बड़े सहारे बनते हैं, और छोटा बेबी बड़े बच्चे की तरफ, बड़े भाई की तरफ, बड़े सिस्टर की तरफ देखकर बड़ा होता है। तो उनमें अगर एक हेल्दी बॉन्डिंग रहे तो नेचुरली इमोशनली छोटा बेबी भी बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। और उसकी तैयारी शायद, क्योंकि बच्चा एक दिन में तो आएगा नहीं, 9 महीने तक के था, तो अगर उसको शुरुआत से बताया जाए कि वो नया बेबी आने वाला है। इनफैक्ट यस, इनफैक्ट ये सबसे बड़ी बात सर ने कही है कि हमको तो पता है कि बच्चा आने वाला है, तो हम लोग उसको पहले से ही ये बताना शुरू करें, उसको कुछ फोटोज दिखाना शुरू करें, उसको ये पूछना चालू करें कि आपको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, आप कैसे अपने भाई को रखोगे, बहन को रखोगे, आप उसके लिए क्या नाम सजेस्ट करोगे, ये सब आप उनको अगर इन्वॉल्व करो, उनके मानसिकता तैयार करें, तो नेचुरली वो ज्यादा फायदेमंद होगा, डेफिनेटली। तो सर इसमें तो मैं एक बात और बताऊंगा कि न्यूक्लियर फैमिली तो निश्चित तौर से बड़े भाई की जिम्मेदारी, पर पुराने समय में जब 10-12 बच्चे विवाह करते सबसे बड़ी बहन वो माँ का रोल अदा करती थी, तो जो छोटा भाई होता तो यहाँ पर वो माँ की जैसी बात होती थी उसके अंदर। उसमें और एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, बहुत बार ऐसा जब शुरू हो जाता है तब रिवर्ट होके पेरेंट्स दे स्टार्ट कंपेयरिंग,
वो बोलती कि देखो छोटा बच्चा शांत है, तुम बहुत तकलीफ दे रहे हो, तो उसको और ज्यादा डांटते हैं, तो उसके मन में और ज्यादा ग्रज निर्माण हो जाता है बच्चों की भावना आ जाएगी। तो वो पेरेंट्स ने बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई वो बच्चा शांत नहीं, वो तो छोटा है उसको समझता नहीं, जो इमोशनल उसको समझता है उसको बोलना है कि तू ही है तेरे को उसको देखना है। ये कंपेयर करके आप उसको ज्यादा स्कोल्ड करने लगोगे कि अभी वो शांत है वो तकलीफ दे रहा, तू ज्यादा तकलीफ दे रहा है और उसमें प्रॉब्लम और ऐड हो जाता है, तो वो पेरेंट्स ने केयर उस बच्चे बचना चाहिए। बहुत सही मुद्दा सर ने आपने बताया। सर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उम्र को और बढ़ाते हैं। मित्रों जो पीडियाट्रिक्स है बच्चों का जो शास्त्र है एक बहुत ही अद्भुत शास्त्र है कि जैसे जैसे बच्चा उम्र से बढ़ रहा है वैसे शरीर से बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ में उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है, उसके मनोविज्ञान का विकास हो रहा है। एकदम जो नवजात शिशु था वो अपनी हर बेसिक नीड के लिए अपनी माँ पर निर्भर था, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है अब वो स्वतंत्र स्वावलंबी होने की कोशिश कर रहा है, जो पहले गर्दन भी नहीं उठा पा रहा था धीरे धीरे गर्दन उठा रहा है, हाथ पैर पर टेक कर अपनी छाती ऊपर कर रहा है, बैठना शुरू कर रहा है, खड़ा होना शुरू हो रहा है और एक निश्चित क्रम से हो रहा है, इसको पहले नहीं कर सकते हैं। इसी बौद्धिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्कूल की, हमारे शाला की। सर एक अगर आपने गौर किया हो अभी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल जाने में बड़ा आनंद होता था कि हमारे वहाँ टीचर से इंटरेक्शन होगा, हमारा फ्रेंड सर्कल होगा, हम बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। आज हम देखते हैं कि परिस्थितियां उल्टी हो रही है कि अगर किसी स्टूडेंट को बताया जाए कि कल तुम्हारी छुट्टी है, अचानक से दो दिन की छुट्टी हो तो बड़े खुश होते हैं। आप इसका कारण क्या मानते हैं, लोग स्कूल से ऐसा विमुख क्यों हो रहे हैं? उसमें काफी चीजों में इसमें इन्वॉल्व है, बेसिकली अपना जो कल्चरल प्रोग्रेस हो रहा है मेरे को लगता है कि दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर दैट, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द स्कूल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को घर में जो सुविधाएं मिलती है, अलग अलग के गैजेट्स मिलते हैं, अलग अलग जो खिलौने रहते हैं, वो वातावरण उसको स्कूल में नहीं मिलता और उसको जो चाहिए वो पैम्पर होते जाता है कि और उसको जो चाहिए कि मैं और मैं, वही सोच रहती है स्कूल में। अपने टाइम में जैसा रहता था कि स्कूल जाना, सबके साथ मिलना, दैट वाज अ प्लेजर, वो अभी नहीं रहा है, उसके लिए दे टाइट। और दूसरा मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल बहुत जल्दी अपन स्कूल डालना चालू कर देते और वो एक मेजर रीज़न है, तो वी कॉल इट द सेपरेशन एंग्जाइटी। पौने दो साल का होगा कि प्ले ग्रुप में डालो, वे पहले से तो उसको तब से डर रहता है कि मेरे को माँ बाप से अलग होता जा रहा है, वो एडिशनल रीज़न है कि दे स्टार्ट स्कूल फोबिया, डर होना चालू हो जाता है, वो डर स्कूल में बराबर बिहेव नहीं करता, फिर वहाँ पे कुछ टीचर्स थोड़ा परेशान या पनिशमेंट टाइप करते हैं, उनका डर बैठ जाता है, यानी ये एक एक चीज़ें ऐड होती जाती है। वो आप बराबर टाइम पे उसको स्कूल डालना चालू कर देंगे, उसको अपन जो बोलते हैं कि उसकी काउंसलिंग कर देंगे, पहले से बोलना है कि स्कूल जाना है, स्कूल में बच्चे रहते हैं, टिफिन लेके जाना है, ये तो उसका मन तैयार करने के बाद ये चीज़ें कम होना हो सकता है। तो फिर स्कूल करिकुलम के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे वहाँ तो अभी जो हम स्कूल करिकुलम देख रहे हैं कि वहाँ पे उठ के उठो बैठो बैठो, जैसे मशीन से रोबोट चल रहे हैं, उनको एक के बाद में दो ही आने चाहिए, दो के बाद तीन ही आने चाहिए, बच्चे स्वभाव से चंचल हुआ करते हैं, तो वो कहीं एक जगह टिक के तो बैठ नहीं सकते हैं। अब जिस तरह से आप बताएं दो साल के बच्चे को स्कूल डाल दें तो स्कूल की जो सिस्टम है वहाँ तो ये सब चीज़ें होनी है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसके लिए अपने को वी कैनॉट चेंज बट वी हैव टू थिंक टू चेंज अवर स्कूलिंग एजुकेशन पैटर्न फॉर दैट, कि जैसा दो साल में मत डालो, तीन साल मिनिमम, आइडियली गवर्नमेंट का है कि छः साल की उम्र में फर्स्ट स्टैंडर्ड में आइडियली जाना चाहिए बच्चा, बट उतना होता नहीं है। और स्कूल में भी कुछ दिन बच्चों को मेरे ख्याल से उसको पढ़ाई का कुछ देना ही नहीं चाहिए, उसको डे टू डे खेलो, बच्चों में मिक्स होते जाओ, सोशल होने के लिए पहले दो तीन साल हो जाना चाहिए, खेलना दौड़ना बच्चों के साथ मिलना, वहाँ पर उसको थोड़ा मैनर्स सिखा दो, व्हाट वी कॉल इट सिविलाइज्ड मैनर, कि कैसा बात करना है, हंसते खेलते उसको पनिशमेंट करके नहीं, तो उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ताकि उसको मैथमेटिक्स दो और दो चार, ये हैंड राइटिंग अच्छा लिखो, होमवर्क दो। अभी सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होमवर्क का है, वो प्ले ग्रुप में जाने वाले बच्चों को भी होमवर्क आता है, होमवर्क भले मम्मी डैडी करते हैं बट उसके करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके पहले दो तीन साल तो मेरे ख्याल से उसको खेलने के लिए भेजना चाहिए स्कूल, ना कि पढ़ाई के लिए। नहीं, मैं एक ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, दो तीन बातें हैं जो आमतौर पर अभी स्कूल में पाई जा रही है। एक तो स्कूल का टाइमिंग, आज आप देख रहे हैं कि चार पाँच छः छः घंटे स्कूल के टाइमिंग्स हैं, अर्ली मॉर्निंग बच्चे को उठना है, जिस टाइम में पिताजी घर में नहीं उठते उस टाइम में बच्चा स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल चला जाता है। मतलब आप अपने आप के ऊपर से सोचिए कि जिस वक्त आपको उठने की तकलीफ होती है उस वक्त वो बच्चा नहा धोकर कपड़े पहनकर स्कूल में जाने के लिए रेडी रहता है। उनका लाइफ ऐसा है कि अभी उनको लाइफ एंजॉय करना है, देर से उठना है, आराम करना है,
और उस वक्त उनके ऊपर बहुत सारी जवाबदारी डाली गई है, ये एक दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि बहुत एक्सेसिव डिसिप्लिन, स्कूल माने डिसिप्लिन, स्कूल में टीचर्स का एक बड़ा इस तरह से सोच है कि स्कूल आने के बाद में कंप्लीट डिसिप्लिन होनी चाहिए। जिस उम्र में ये बच्चा हंसना चाहता है, खेलना चाहता है, आजू बाजू के बच्चों की कुछ गलतियां निकालना चाहता है, उसको कुछ टोकना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, उसको हम लोग एक जगह पर बिठाने की कोशिश करते हैं, और वो भी काफी लंबे टाइम तक। नेचुरली वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, वो इसका इंस्टिंक्ट है, यानी स्थायी भाव है, और हम लोग वो स्थायी भाव के विपरीत उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उल्टा दबा रहे हैं, दबा रहे हैं उसको, तो उसको कन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है। तीसरी बड़ी बात आपने देखी होगी कि अभी कॉन्वेंट कल्चर आया है, मदर जो मैटर्नल लैंग्वेज है, जो मदर टंग बोलते हैं हम लोग, वो घर में कुछ और बोली जाती है, और स्कूल में हम लोग अलग भाषा में। एक बहुत दिलचस्प स्टोरी बताना चाहूंगा मैं, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और उसके माँ बाप कंप्लेंट कर रहे थे कि ये स्कूल जाना चाहता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसे क्यों होता है, तो कहने लगे कि हमने बहुत कोशिश की, उसको रोज जाकर बिठाया, लेकिन ये उनको बहुत तकलीफ देता है, स्कूल जाना ही नहीं चाहता है, और हर बार जब स्कूल से आता है तो पतलून इसकी गीली होती है, तो ये शायद डरता है या क्या होता है। हमने जाकर स्कूल में भी चौकशी की कि क्या होता है, लेकिन स्कूल में टीचर कहते हैं कि हमने तो कोई डाटा नहीं वगैरह वगैरह। तो सब बातें सोचने के बाद में मैंने जब बच्चों को काफी पूछने की कोशिश की, तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उसमें से बाहर आई। घर में माँ बाप और फैमिली पूरी मराठी स्पीकिंग थी, स्कूल में सडनली उसको इंग्लिश में लैंग्वेज सीखना पड़ा, और वहां पर एक रूल था कि टॉयलेट जाने के लिए उसको इंग्लिश में पूछना था कि मे आई गो टू टॉयलेट प्लीज। अब बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये बच्चों को ये सेंटेंस बोलना बड़ा मुश्किल होता था, तो वो सेंटेंस बोलने तक वो बेचारा अपनी पतलून गीली करता था, और उसको उसकी एक कुछ अलग एम्ब्रेसिंग फीलिंग होती थी कि ये मैंने क्या कर दिया, और वो बहुत ज्यादा स्कूल को हेट करना चालू किया उसने, और उसके बाद स्कूल का नाम निकालते ही वो बोलता था कि मुझे स्कूल में नहीं जाना है। अब छोटी सी बात है, लेकिन टीचर का बड़ा प्रावधान था कि अगर जाना है तो ये सेंटेंस बोलना ही पड़ेगा, तो ही टॉयलेट को जाने को मिलेगा। तो कुछ चीजें हमने भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, टीचर्स ने भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग वहां पर डिसिप्लिन सिखाने के लिए बच्चों को वहां पर नहीं ला रहे, उनको हम लोग कुछ आनंद देने के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, शेयरिंग सिखाने के लिए, ताकि आपने देखा है कि बहुत बच्चे शेयरिंग करने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जब स्कूल में आना चालू होता है तो शेयरिंग करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ सोशलाइज होते हैं, तो ये उनको सिखाने के लिए हम लोग प्री स्कूल का यूज करते हैं। तो कुछ चीजें इस तरह से सोचे तो उनका स्कूल का एंग्जाइटी, स्कूल का फोबिया निकल जाएगा। और सर जैसे कहते हैं कि अब जिस तरह से घर हो रहे, तो घर के एक तो मिट्टी कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो रही, तो बच्चे नेचर से, प्रकृति से दूर हो रहे, तो स्कूल और प्रकृति की निकटता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो बच्चों को प्रकृति के निकट ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझना चाहिए पौधे, पेड़, मिट्टी, ये चीजें से होना ही चाहिए। और अब काफी बोलते हैं कि उसमें से इन्फेक्शन हो जाएगा, हाथ गंदे हो जाएंगे, बट अभी तो वेस्टर्न में ऐसी थ्योरी है कि ये आपको इन्फेक्शन बहुत अर्ली होने लगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी तरह से बढ़ती है, यानी विदेशों में काफ़ी संशोधन भी हुआ है, दे कॉल इट द ईट डर्ट थ्योरी, यानी जिनको कुछ भी एक्सपोजर नहीं है उनको एक्सपोजर दे दो। तो अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी इंग्लिश स्कूल में मड प्ले, क्ले प्ले ऐसा चालू किया है, हाँ। तो वो अपने को नेचुरल बाकी अपने इसमें है, तो बाहर जाके आउटडोर गेम्स, मैदान, गार्डन, इसमें बच्चे ने खेलना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है, उसका सर्वपूर्ण विकास होने के लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं तो जो चीज पहले मुंबई में हुआ करती थी कि किसी पालक से पूछते थे भाई तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हुए हैं, तो बोले पहले साल में इतना था, अभी इतना हुआ, अब इतना हो रहा है, तो बोले किस तरीके का मेजरमेंट है, तो बोले बाकी जगह में बच्चों को वो छोटे से बड़ा इस तरह से देखते हैं, और मैं जब काम पर जाता हूँ बच्चा सोया होता हूँ, जब मैं काम से वापिस आता हूँ बच्चा सोया हुआ मिलता है, तो मैं उनकी ग्रोथ इस तरह से देखता हूँ। डॉक्टर रमेश सर बता रहे हैं कि जब पालकों के उठने के समय में बच्चों के पीछे हम लग जाते हैं, डिसिप्लिन इतना पक्का होता है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में उन्हें ब्रश किया जाता है, उनका ब्रेकफास्ट हुआ या नहीं हुआ उनको तुरंत वहां बस में जानी होती है। अच्छी से अच्छी स्कूल हर शहर में, शहर के बाहर हुई है, बस में कम से कम एक से डेढ़ घंटा लग रहा है जाने को, एक घंटा लग रहा आने को, इतना पूरा समय सिर्फ बस में बैठा बच्चा ट्रैवल कर रहा है। डिसिप्लिन अनुशासन के नाम से उसे एक रोबोट के नाम पर, वहां मशीन के तौर पर बैठाया जा रहा है, और बच्चे की जो नेचुरल प्रवृत्ति जिज्ञासा उसे दबाया जा रहा है, और ये उसके विकास के लिए बहुत घातक है। हमारे दोनों विशेषज्ञों का ये मत है कि इस वृत्ति को बढ़ाया जाए।
तो हम जितना इस वृत्ति को बढ़ाए बच्चे का उतना व्यक्तित्व परिपक्व होगा, उतना निखर के आएगा। गणेश सर, अब हम और एज ग्रुप आगे बढ़ाते हैं, अब हम किशोर अवस्था की तरफ चलते हैं और बहुत सारे पालकों का बच्चों को दो भागों में विभाजित करते हैं, या तो बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, या फिर अकेला बैठा है, किसी से मिक्स नहीं हो रहा है। इन दोनों पर्सनलिटी के विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? जैसे जैसे बच्चे अभी बड़े होना शुरू होते हैं, जिसको हम लोग टीन्स बोलते हैं या एडोलसेंस बोलते हैं, वहाँ पर ये दो प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं, जिसको हम लोग इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो आत्मकेंद्रित बन जाते हैं, किसी से मिलने की वो कोशिश ही नहीं करते, सोशलाइज होने के लिए वो थोड़े से डर जाते हैं, माँ बाप कहीं अगर फंक्शन को या शादी को जाना चाहते तो कभी वो उनके साथ अकंपनी नहीं करते हैं, वो अपनी एक अलग दुनिया बसाने की, अलग जगह रखने की कोशिश करते हैं। और दूसरे बच्चे होते हैं कि वो इतनी तरह से सोशलाइज होते हैं कि कभी कभार उस चीज़ का भी डर लगता है कि ये कितनी अनहोनी या कहीं विपरीत परिस्थिति के शिकार ना बन जाए, क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं खुद का फ्रीडम, और कभी कभी रिस्क तक के पहुंच कभी तक वो रिस्क इतना बढ़ जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस का अढ़ाव उनको नहीं होता है, ताकि इसका क्या परिणाम होगा ये उनकी सोच नहीं होती है, और वो चीजें कर जाते हैं और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो इसकी वजह से ये दोनों टाइप्स जो है, ये दोनों टाइप्स अगर एक्सेस मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में हो तो नेचुरली ये बराबर नहीं है। इसको हम लोग किस तरह से उसको कंट्रोल में रखा जाए, और हम लोग ये सोच के चले कि ये इसका नेचर है, इसका स्वभाव है, तो ये इसको हम लोग कुछ हद तक डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर बहुत आत्मकेंद्रित बच्चा है तो हो सकता है कि माँ बाप को उसके लिए कुछ प्रयास करना जरूरी है, उसके साथ अपना वक्त देना जरूरी है, उसके उसको कहीं सोशलाइज करने के लिए अपने साथ लेके जाना जरूरी है, उनके दोस्तों को या उसके दोस्तों को अपने घर पे बुलाना, उसके साथ मिक्सअप करने की कोशिश करना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग प्रयास करें तो नेचुरली वो एफर्ट्स अपने कामयाब होंगे और वो बहुत ज़्यादा आत्मकेंद्रित ना होगा और वो बच्चों के साथ सोशलाइज होगा। और रही बात जो एक्सट्रोवर्ट है, जो ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग बच्चे हैं ले रहे हैं, उनको भी हम लोग कुछ हद तक उनके ऊपर नजर रखकर थोड़ा सा रिप्रीमाइंड करके उनको हर चीज का कॉम्प्लिकेशंस पहले बता कर कि इस ये चीज करने से उसका क्या विपरीत परिणाम हो सकता है, ये इनको बार बार समझा कर हम लोग उनके कुछ एक्टिविटीज को कर्टेल जरूर कर सकते हैं, ना कि उनको फ्रीडम दे दे और कुछ चीजें होने के बाद उनका पछतावा करे। हम लोगों ने बहुत बार देखा है दिल्ली में बड़े बड़े मेट्रोज में एडोलसेंट बच्चे पिताजी की माँ की टू व्हीलर उनकी परवानगी ना लेते हुए चलाने की कोशिश करते हैं, स्टंट करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, या तो खुद को हर्ट करते हैं या और किसी को हर्ट करते हैं, और ये चीजें सब होने का वही एक मात्रा है कि उनको काफी ज्यादा फ्रीडम दिया गया है, उनको कभी रिप्रीमाइंड किया नहीं, उनको कभी बताया नहीं गया कि ये चीजें करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो ये चीजें हम लोग डेफिनेटली उसको कुछ हद तक अपन प्रयास कर डेफिनेटली कम कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे समझे कि चाहे वो अंतर्मुखी हो चाहे बहिर्मुखी, उसके बीच का समय एक संतुलित उसका व्यक्तित्व होना चाहिए जरूर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि फ्रीडम यानी स्वतंत्रता क्या और स्वच्छंदता क्या, ये दोनों चीजों का फर्क होना कि स्वतंत्रता आपको कि आप जो चाहे कर सकते हैं, स्वच्छंदता कि आप समाज में खुले रूप से अपना या समाज का नुकसान नहीं कर सकते हैं। सर, हम लोग चर्चा के अंतिम दौर में है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रगति हो रही है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नई नई मशीनें खासकर मोबाइल के रूप में आए हैं, ये सब चीजें आई हैं, जहाँ पर ये दुधारी तलवार कि हमारे लिए फायदे की चीज़ वहीं पे हमारे लिए नुकसानदायक भी सिद्ध होती है। आप इस विषय में हमारे पालकों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? सभी तरफ अभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग और पर्टिकुलरली बच्चों के हाथ में ये चीज़ें देना, ये और विदाउट एनी वॉच और विदाउट एनी उनके परिणाम देख के, और ये बच्चों के हित के हिसाब में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे के हाथ में दे दिया तो उसका भी अपना अपना टाइम, अपन काम कर रहे हैं, बच्चा अपना काम कर रहा है, बट उसके वजह से बच्चों को काफ़ी अलग तरीके से डेवलपमेंट होने के चांसेस रहते हैं। जैसे आप ही अब काफ़ी बार पढ़ते हैं कि वो मोबाइल लेके बैठा है दो दो घंटे, लैपटॉप लेके बैठा है या टीवी के सामने तीन तीन चार चार घंटे जा रहे हैं, तो ये पालकों ने बिल्कुल तरीके से रोकना चाहिए। उसके लिए जैसा बाहर के देशों में अमेरिका आप ले लेंगे तो उनका तो ऐसा है कि दो साल तक दे शुड नॉट बी व्यू द टीवी, दो साल देखना नहीं चाहिए फर्स्ट, उसके बाद देखना चाहिए तो भी
कुछ चैनल हद तक चाइल्ड लॉक करके नॉट मोर देन हाफ एन आवर, बट ये चीज़ें अपन फॉलो नहीं करते हैं। मोबाइल्स आइडियली टिल 5 ईयर्स मोबाइल बच्चों के हाथ में देना ही नहीं चाहिए, यानी ये चीज़ें का अपन पालन करोगे, क्योंकि उसमें वैसे काफ़ी एक्सीडेंट, जैसा थोड़ा एडोलेसेंट बच्चे आजकल सेल्फी के हिसाब देखेंगे कि काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं बच्चे उसके, यानी जनरली पागल हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं, अपने आप में जैसा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, सोशल नहीं हो जाते हैं, और फिर चिड़चिड़ापन आना, रात रात पर जागने के वजह से टीवी या मोबाइल देखने के वजह से सवेरे नींद नहीं होती, सवेरे लेट उठते, फिर स्कूल में ध्यान नहीं लगता, इनडायरेक्टली इट अफेक्ट देयर लर्निंग प्रॉब्लम। तो ये डायरेक्ट नहीं होता, इसके लिए पेरेंट्स को उस टाइम ध्यान में नहीं आता, बट ओवर द पीरियड फिर टीचर का आता है कि उसका वो मार्क्स कम होते जा रहे हैं, उसका एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस कम हो रहा है, बट उसका कारण ये हो सकता है कि उसका रात भर या ज़्यादा देर जागना, गैजेट के साथ डिस्ट्रैक्शन होना स्टडी के अलावा, तो ये चीज़ों का पेरेंट्स को बहुत एहतियात बरतना पड़ती है। तो उसके ऊपर वो सुपरवाइजर निगरानी रखना जरूरी है, और खासकर कंटेंट्स भी कौन सा वो देख रहा है, जिस तरह से भी साइट्स खुली हुई है तो भी हमें पता नहीं कौन सा देख रहे हैं, मैसेजेस कौन से आसपास में दे रहे हैं ले रहे हैं वो भी हमको पता नहीं है, और इसलिए बहुत जरूरी है पालकों ने भी अपने ऊपर एक नियंत्रण रख के उनके सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा पालकत्व, हर विशेष वर्ग ग्रुप में विशेष उम्र में हमारे दोनों विशेषज्ञों के साथ संपन्न हुई। मित्रों, कार्यक्रम आपका अपना है, इस विषय में आपके सुझाव, विचार और प्रतिक्रियाएं, इनका हमेशा से हमें इंतजार रहा है, और इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से या तो आप हमसे प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप से हमें मैसेज कर सकते हैं। प्रोग्राम के हम 90वीं वादन पर पहुंच रहे हैं, 90 के दशक में पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को हमेशा से शुभकामनाएं देते हैं कि आपका आने वाला कल और भविष्य हमेशा से उज्जवल और मंगलमय हो। हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा पूरी तरह से संस्कारी हो, उत्पादक हो, कार्यक्षम हो, ताकि पूरा समाज, पूरा परिवार और आखिरी में देश सुदृढ़ और संपन्न हो। हमारे विशेषज्ञों ने जो कुछ सुझाव हमें दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक उनका पूरी तरह से पालन करेंगे और उसे केवल अपने तक सीमित न रखते हुए बाकी तक और पहुंचाएंगे। बहुत सारे मुद्दे, चर्चा बहुत लंबी है, लेकिन वक्त की अपनी सीमा है। आपसे विदाई का वक्त हो गया, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी, और तब तक डॉक्टर वैद्य सर और डॉक्टर गणेश जी सर, हमारे दर्शकों इतने रोचक विषय में इतने अच्छे ढंग से जो आपने मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।